ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल मैं छोड़ के गई थी कि 2200 का आंकड़ा पार करना चाहते हैं या 200 का आंकड़ा टच करना चाहते हैं नीतीश कुमार, लेकिन किस आधार पर? 2019 से लेकर 2020 तक जनार्दन मिश्र जी, जो हुआ है बिहार में, चाहे बेरोजगारी को लेकर या फिर आप सरकार का बोल के कि बिहार से लोग चले आते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं अच्छे हैं, कूड़े कबाड़े की तरह यहाँ भरे रहते हैं, लगातार बिहार के लोगों को टारगेट किया जाता रहा है और वहां की स्थिति भी, चाहे बाढ़ से लेकर और चमकी बुखार तक लोग वहां पर सफर किए, और अभी क्या है कि वहां पर लोगों के विकास को लेकर वो मुद्दा गायब है। वहां पर लोगों को जो परेशानी होती थी, जल जो वहां भर जाता था, बाढ़ से लोग पीड़ित रहते थे, मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर अभी भी उस पर वो काम नहीं हुआ है जो काम वाकई बिहार में होना चाहिए 15 साल के कार्यकाल में। लेकिन अभी इन पर बात ना होकर एनआरसी, एनपीआर और सीए पर ही बात हो रहा है। श्रुति जी, अगर हम लोग बिहार की राजनीति की बात कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर फैक्टर हम नहीं उसको इग्नोर कर सकते। और प्रशांत किशोर जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, और जब वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी प्लान करते हैं तब आप दिल्ली की राजनीति, जो अभी रिसेंट अभी आपने चेंजेस देखे, उसको इग्नोर करना भी मुझे नहीं लगता कि बुद्धिमानी होगी। और दिल्ली में जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई, जिसमें केजरीवाल ने भी बाद में उसको अप्रिशिएट किया, वो बीजेपी को, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आपने देखा कि देश का कोई बड़ा नेता नहीं था जो दिल्ली में नहीं उतरा, और हर संभव प्रयास किया गया, डोर टू डोर कैंपेनिंग की गई, एक एक आदमी से मिला गया, लेकिन जो चीजें बदली वो फेवर में नहीं रही बीजेपी की। तो अभी बिहार में जो मैं चीजें देख पा रहा हूं, मुझे लगता है कि डैमेज जो बीजेपी का हुआ है उससे हमें आहत ना हो, नीतीश कुमार जी ऐसा फुल प्रूफ प्लान लेके आते हैं। आप अंदर क्या है वो चीजें तो कोई नहीं, जो आपके ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स है उसको डिस्कस करना बाहर, ये तो मतलब वो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन बाहर की चीजों में डैमेज जो है वो कहीं से भी नीतीश कुमार जी को और उनकी पार्टी को ना लगे, इसलिए वो डिस्टेंस क्रिएट करना जरूरी बन रहा है। जहां तक बात है एनपीआर, सीए और एनआरसी की, इसमें जो जो विरोधाभास है वो विरोधाभास बहुत ही माइन्यूट है। उन्होंने बोला 2010 के अकॉर्डिंग हम उसको लागू करेंगे, 2020 में कुछ माइनर चेंजेस हुए हैं, जिसमें उनके पेरेंट्स के रेजिडेंस के बारे में पूछा जाता है, जिसमें उनके आधार और पासपोर्ट की डिटेल्स पूछी जाती है, तो वो चीजें हम नहीं लाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इतना डिफरेंस नहीं है कि वो चीजों को आप बिल्कुल बाइफर्केट कर सके या डिवाइड कर सके। तो नीतीश कुमार जी एक तरफ से सपोर्ट तो जरूर कर रहे हैं और सपोर्ट मांग भी रहे हैं और वो दिख भी रहा है, लेकिन वो डैमेज जो है वो उनको ना पहुंचे, ये इसका भी फुल प्रूफ प्लानिंग है। और इस फुल प्रूफ प्लानिंग में जहां पर के त्रिपाठी जी हमेशा से नीतीश कुमार को किसी ना किसी सहारे की जरूरत पड़ती रही, कभी आरजेडी, कभी जेडीयू, कभी आरजेडी, कभी जेडीयू, इन सहारों के बीच में नीतीश कुमार जी की जो खुद की, जैसे अभी कहा कि जमीनी हकीकत से रहते हैं, बड़े राजनेता हैं, उन्हें पता है कि कब कौन सा मास्टर स्ट्रोक चलना है और किसको वो मात दे सकते हैं। आरजेडी और एनडीए के साथ गठबंधन में सबसे ज्यादा फायदामंद आपको अब कौन सा लग रहा है और किसके किसके साथ आप जाने की सोच रहे हैं? हालांकि आप क्लियर स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जनार्दन मिश्र जी ने कहा कि एनपीआर में अभी चेंजेस हैं 2020 के अकॉर्डिंगली और उस पर आप चाह रहे हैं कि 2010 के अकॉर्डिंगली ही वो इम्प्लीमेंट हो, तो यहां पर तो आपने एक लाइन जो है, बाउंड्री जो है वो खड़ी कर दी है। देखिए सुते जी, हमारा बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है, हमारे नेता का क्लियर विजन है कि हम 2010 के ऊपर ही जो आपका एनपीआर बना है उसी के आधार पे, फॉर्मेट पे हम अपने यहां लागू करेंगे। दूसरा सवाल है कि एनआरसी पे तो आपने देख लिया कि एनआरसी का पास हो चुका है, सीए पे इसलिए लाना चाह रहे हैं क्योंकि बिहार में भी थोड़ा सा जातीय और धार्मिक लड़ाई कभी कभी इसके पहले भी हुआ करती थी और आज भी संभव है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो पार्टी का एजेंडा है कि हम ये सांप्रदायिकता को छोड़ करके सबका विकास के साथ ही हम जनता के बीच जाना चाहते हैं और हम अपने कामों के आधार पर वोट मांगना चाह रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा एक नंबर एक है कि हमने जो 15 सालों में काम किया है, और हम हमेशा अपने जो वहां पे कंपेन करने जाते थे तो आप कहते थे भाई जो हमने मजदूरी की है 5 साल तक उसका हमें हमारा हिसाब दे। राजनीतिक सलाहकार हुआ करते हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने कह दिया कि 15 साल के सुशासन में आज भी बिहार सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा। प्रशांत किशोर एक साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं,
लेकिन वो नीतीश को यह बताने के लिए अभी उनकी क्षमता नहीं कि नीतीश जी क्या करें, वो कौन सी लड़ाई करें, किन मुद्दों को लेकर बीच में जनता के जाए। वो स्ट्रेटजी देखिए, वो स्ट्रेटजी उनकी, देखिए वो बात बताते रहे तो आप लोग मानते रहे। देखिए वो स्ट्रेटजी उनकी कमरे के भीतर की स्ट्रेटजी है, जनता के बीच में आपका सही मैंडेट जो मिलता है वो महत्वपूर्ण होता है। जनता किसको लाइक करती है, जनता किसको अपना नेता मानती है। नीतीश कुमार 3 बार तो बिहार के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री भारत सरकार, रेल मंत्री भारत सरकार, आज उनके ऊपर एक स्पॉटलेस कैरेक्टर है, एक स्पॉटलेस उनका पूरा बेदाग जीवन है राजनीतिक जीवन में, उनके ऊपर कोई कह नहीं सकता। उनके ऊपर किसी पर, उनके ऊपर उनके ऊपर कोई ना तो परिवारवाद का दाग है, ना कोई भ्रष्टाचार का दाग है। इन सारे मुद्दों को इन नेताओं से, बिहार के जो छोटे बड़े नेता हैं, उनसे नीतीश कुमार हमेशा भारी पड़ते रहेंगे। और बीजेपी को भी मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी का हमारा इनका बीजेपी का दाग भले ना हो, लेकिन बिहार में लोगों के सवाल बहुत है नीतीश कुमार। लेकिन सुनिए, जब लोकतंत्र का डंका जब चुनाव होता है तो सवाल स्वाभाविक है। लेकिन हमने जो काम किया है, हमारा चाहे कृषि के क्षेत्र में काम हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में काम हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो, जो तमाम हमारे श्रमिक प्लान करते थे, वो सारे प्लान को हमने वहां रोका। और हमारा नौजवान, वहां की जीडीपी आप देखिए, अन्य स्टेटों से उनकी जीडीपी बिहार की ज्यादा है। बिहार के कुछ तमाम ऐसे काम है जिसको बिल गेट्स साहब ने तारीफ की। हिंदुस्तान का कोई अगर नेता है तो नीतीश कुमार जी है, बिल गेट्स के कमेंट्स दिए हुए हैं, इसको आप देखिए। मैं प्रशांत किशोर की काबिलियत पे मैं उन पे चर्चा नहीं करूंगा, वो जिस क्षेत्र के काबिल आदमी है उसकी वो है, लेकिन जो भारतीय राजनीति में जिसका एक छात्र जीवन से इतने लंबे अरसे तक भारतीय राजनीति में बेदाग बना रहना, यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। बिहार जैसे राज्य में जहां पे जंगल राज था, जहां पे लोग शाम को निकलना नहीं पसंद करते थे, सड़कों में गड्ढा भरा हुआ था, रोजगार चौपट हो जा रहे थे, सारे निवेश के लोग बाहर चले जा रहे थे, तो इन सारे मुद्दों से अगर किसी ने निजात दिलाया तो नीतीश कुमार ने वहां इतना बड़ा काम करके निजात दिलाया। हम उन्हीं मुद्दों पर जाएंगे जनता के बीच, और चुनाव हम जीत के आए। अभी भी जब बाढ़ आता है तब भी जनता नहीं निकल पाती। वहां एक वहां का भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसके लिए बहुत बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत है, उसमें बगैर भारत सरकार के बहुत बड़े लंबे अनुभव के बाद कुछ लाना पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ से तो नदियों से घिरा हुआ है। अब वो नदियां इतनी उफान ले लेती हैं, जो पानी उधर से आता है आपका नेपाल से, उस पानी को जब तक भारत सरकार कहीं उसको मोड़ नहीं देगी, कहीं रोकेगी नहीं कोशिश, जैसा एक बार आपने कहा हमारे अरविंद जी ने, तो वो दिक्कत है। और उस दिक्कत को तो स्वाभाविक है, वो भौगोलिक स्थिति के कारण हमको वो कष्ट बिहार को झेलना पड़ता है, जिसके लिए भारत सरकार उस पर कोई कार्य योजना ले आ रही है। अगर वो आती है तो बेहतर हो जाएगा। चलिए ठीक है संजय जी, दिल्ली में 2 सीटें मिली थी, वहां तो लुटिया डुबा दी आपने, उसके बाद अब यहाँ गठबंधन करने की सोच रहे हैं और आपके साथी हैं, तो यहाँ पर कोई स्ट्रेटजी, कोई रणनीति ऐसी बनाई है कि नीतीश कुमार आरजेडी को मात देकर और 200 का आंकड़ा पार कर जाए। देखिए श्रुति जी, एक जो जनरल परसेप्शन बनता है दिल्ली का कि हमारी लुटिया डूब गई, लुटिया तो कांग्रेस की डूबी हुई है, 15 साल उन्होंने राज किया था, कांग्रेस के साथ नहीं राजनीति में भाजपा ने अपने जो हवन किया था उसमें भाजपा के हाथ जले हैं, उसमें कोई भी दूसरी राय नहीं बननी चाहिए। और दूसरी चीज, उसी डैमेज को रोकने के लिए जो भाजपा के सहयोगी दल है उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी तैयार की है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और दिल्ली की राजनीति को आप देखिए, दिल्ली में जैसा कहा जा रहा है विकास पे वोट पड़ा है, तो श्रुति जी हम थोड़ा सा इस चीज पे डिफर करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो 200 यूनिट फ्री और 200 जो वो फ्री की पॉलिसी पे ज्यादा गया, बिल्कुल बड़ा फैक्टर बन गई जो केजरीवाल को बियॉन्ड द लाइन उसको बिल्कुल बिल्कुल राइट। और ये बोलते भी आई हूँ मैं, संजय जी अपना रिएक्शन कम्प्लीट कर, इलेक्शन हो गए जैसा भी जनार्दन जी ने कहा 200 यूनिट का, लेकिन 201 यूनिट पे जो चार्ज हो रहा था वो जनता नहीं समझ पाई है, उसका वो जनता को समझ में आ जाएगा। देखिए श्रुति जी, बहुत स्पष्ट, हम जातिवाद उसके पर नहीं जाते, इस देश के अंदर दो विचारधाराएं काम कर रही है, एक विकास की, एक अराजकतावाद की। तो बिहार के अंदर जो नीतीश जी के नेतृत्व में विकास की जो धारा बह रही है और जिसमें भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का नेतृत्व कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, वो विकास चाहने वाले मतदाता वो एकजुट होके अराजकतावादी ताकतों को निश्चित रूप से हराएंगे। और हमें लगता है
कि उससे ज्यादा मुझे ये लगता है संजय की कि अराजकता की लड़ाई में आप खुद फंसते हुए चले जा रहे हैं। जितनी चीजें आप लागू किए हैं, अरे नहीं, जितनी चीजें आपने लागू की है, सीए 370 राम मंदिर जो कि क्रेडिट आपने जाते सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट जाना चाहिए, लेकिन चलिए आपकी सरकार उसे विकास का क्या रिलेशन मुझे समझ में आया। तो जीडीपी वैसे भी गिर रही है। तो देखिए, हिंदू माइंडसेट को अगर समझना है तो हिंदू माइंडसेट कभी अराजकतावादी नहीं होता है। हिंदू हमेशा विकास चाहता है। और अब हम इतिहास के पन्नों में नहीं जाना चाहते हैं कि देश की दुर्गति क्यों हुई, किन कारणों से हुई है, लेकिन उन उस जो पीछे दुर्गतियां हुई हैं उसके भूत ने आज भी देश को नहीं छोड़ा हुआ है। नीति ये जो तेजस्वी यादव हुए, कांग्रेस हुए, ये अराजकतावादी वोट बैंक के चक्कर में देश को बर्बाद कर रहे हैं। नीतीश जी, भारतीय जनता पार्टी जो विकास को चाहता है वोट बैंक, हम जातिवाद की बात नहीं कर रहे हैं। एक चेंज और देखिए आप सोसाइटी के अंदर जो देश के अंदर चल रहा है, अभी तक जो जातिवाद के बंधन में बंधे हुए लोग थे उन लोगों के अंदर उस उनकी जो नौजवान पीढ़ियां आ रही है उनकी सोच में भी अंतर आ रहा है। आप चाहे अखिलेश यादव जी की वोट बैंक का देख लीजिए, चाहे बिहार में आरजेडी का जो वोट बैंक था, जात का नाम लेके नहीं बोलेंगे, उनके जो नवयुवक आ रहे हैं उनके सोशल मीडिया पे आप उनके विचार देखिए किस तरह से उनके अंदर चेंज आ रहा है। ये समझना चाहिए इन देश के नेताओं को जो अराजकतावादी राजनीति मैं आज भी विश्वास करते हैं, जिनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में नीतीश जी जैसा नेता इस देश के अंदर और भी पैदा होने चाहिए, तब इस देश का भला होगा। और मुझे ये लग रहा है कि स्थिति इस समय राजनीति की हो गई है कि अराजकता में ही सारी राजनीतिक पार्टियां श्रुति जी बिल्कुल भी नहीं है। अरविंद जी, देश का वोटर बहुत समझदार है, देश का वोटर समझदार है, तभी तो विकास के नाम पर जो गाड़ी चलाई थी अरविंद केजरीवाल ने और उसमें फंस के देखिए देश की जनता ने दिला दी कुछ का सीन ही करेंगे। हमारा भी वोट बैंक एक सेकंड संजय जी, सबसे हराने की बात यह है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास ये आपका था और उसके बाद जीत हासिल कर ली आपने, ये सबसे ज्यादा हराने की बात है। देखिए आप ही के योजनाओं पर चलकर उन्होंने जीत हासिल कर ली। सुन लीजिए, जहाँ ये दंगे हुए हैं दिल्ली में, वहाँ पहले विधायक कौन था और आज कौन विधायक है? अगर वो विधायक जो भाजपा का पहले था वो होता तो वह दंगे होते क्या? आप ये देखिए, ये देश के अंदर जो एक, चलिए हम उसके मुद्दे पे बाद में आएंगे, शाहीन बाग और वहां पर जो मुद्दा हुआ है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, फिलहाल अपने टॉपिक पर। अरविंद जी देखिए, बिहार की राजनीति में दो तीन अभी बिंदु आए, उस पर मैं जल्दी जल्दी अपनी राय दे दूं। एनपीआर पर फिर समझिए, एनपीआर के प्रावधानों में गृह मंत्री की कम से कम 10 इंटरव्यू अलग अलग चैनल पर आए। एनपीआर के प्रावधान में 2010 के बाद जो नया आया है कि आपको देना है माता पिता या उनकी दस्तावेजों पर, उसमें नीचे स्टार बन के लिखा है अगर आप देना चाहे तो दीजिए, ना देना चाहे तो ना देना चाहिए। यही तो नीतीश कुमार जी का मांग है। देखिए यही तो मांग है। तो देखिए, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल के वर्तमान नेता तेजस्वी यादव को एक सलाह है समाजवादी विचारधारा की उनकी एक पार्टी होने के कारण, कि अगर उनको नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी को समझना है और उससे आगे लाइन खींचनी है तो उनको शिवानंद तिवारी जैसे वरिष्ठ नेताओं को चरण छू करके, उनको बैठा करके, उनके कान में जाके कहना पड़ेगा कि ताऊ मुझे आशीर्वाद दो, अपने राजनीतिक ज्ञान से मुझको अभी सिंचित करो। तब वो जो अभी यादव और मुस्लिम लोग नाम नहीं लेते हैं बिरादरियों का, हम लोग नाम लेते हैं क्योंकि डॉक्टर लोहिया ने कहा था जाति तोड़ो समाज जोड़ो। अब जाति में ही फंसे लोग समाज को जोड़ नहीं पाएंगे और जातीय हिंसा और सांप्रदायिक हिंसा का प्रतीक बनी बिहार अगर नीतीश कुमार या किसी भी नेता की अगुवाई में जातीय और सांप्रदायिक हिंसा से दूर होकर के विकास के पथ पर अग्रसर, तो निश्चित रूप से समृद्ध और रोजगार के रास्ते खुलेंगे। दिल्ली में दंगों की भेड़ चढ़े हुए समृद्ध लोग, सैकड़ों गाड़ियों का मंजर देखिए, तो आपको विवश होना पड़ेगा कि पहले शक्ति होनी चाहिए संविधान में और समाज में, तब रोजगार का सृजन हो। आप कितने भी करोड़पति हो, अगर आतताई अराजक भीड़ संविधान की धज्जी उड़ा करके दंगा कर देगी तो आपकी कमाई तो धूल दूसरी धार देने की भेंट चढ़ जाएगी। इसलिए नीतीश कुमार को मानिए कि बिहार में किया और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है नीतीश कुमार ने रैली में, जो अभी राष्ट्रीय जनता दल नहीं समझ पा रहा, कांग्रेस को तो भूल जाइए। उन्होंने कहा कि विशेष दर्जे की मांग हमको बिहार में दीजिए, कोसी नदी की परियोजना जो है उस पर ध्यान दीजिए। ये दो मास्टर स्ट्रोक चुनाव आते आते कैबिनेट में या केवल प्रधानमंत्री अगर अपने भाषण में कह देंगे तो जो पलायन के शिकार लोग थे, जो वहां पर विभिन्न योजनाओं से रुक गए हैं, वही उर्वरा का काम करेंगे राजनीतिक खेती के लिए और पूरा
वोट जातीय समुच्चय के रूप में नीतीश कुमार की अगुवाई में जाएगा। ये बड़ा खतरा राजनीतिक रूप से तेजस्वी यादव इसलिए नहीं महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने डॉक्टर लोहिया के न आंदोलन को पढ़ा है न समझा है, न खुद लालू यादव के संघर्ष की राजनीति को वो मिलाए हैं। वो तो एक सब्ज बाग देख रहे हैं कि लोग नाराज होंगे हमको वोट देंगे, लोग आखिर नाराज क्यों होंगे। डेवलपमेंट की राजनीति पर ही टिके नीतीश कुमार को मालूम है कि हम जो फॉर्मेट लेकर के चल रहे हैं उस फॉर्मेट को भेज पाना तेजस्वी के बस का नहीं है, इसलिए वो रिलैक्स में। एक चीज और है तेजस्वी, आप ये आपकी राय हो सकती है लेकिन मुझे ये लग रहा है कि तेजस्वी यादव ने उस भेद को भाप लिया है क्योंकि अब राज्यसभा में जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ बजट सत्र, तो तेजस्वी यादव ने भी ये मांग उठाई कि स्पेशल दर्जा मिलना चाहिए, स्पेशल राज्य बिहार को मिलना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन वो सीए एनआरसी एनपीआर इस पर फंसे हुए हैं। हाँ। देखिए जो भी राजनीतिक दल वर्तमान समय में राष्ट्र प्रथम का नारा जो है नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया है, राष्ट्र प्रथम नेशन फर्स्ट सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि देश में बुराई वर्तमान जितनी भी जननी है उसकी जननी पंडित नेहरू और डॉक्टर लोहिया है। गैर कांग्रेसवाद की अवधारणा पर सरकारों को गिरा देने का काम समाजवादी आंदोलन के दूसरे बड़े नाम जयप्रकाश नारायण ने किया। इंदिरा गांधी को चुनाव हरा करके तानाशाही सरकार गिराने का काम राजनारायण ने कहा। कर्पूरी ठाकुर ने गांव की फूस की झोपड़ी से चौधरी चरण सिंह ने गांव में रह करके देश की सर्वोच्च सत्ता को ललकारने और वहां पर पहुंच करके अपने हस्ताक्षर करने का काम किया है। ये भूल गए हैं तेजस्वी कि यहां पर वोट के मामले में कोई पंचांगत राजनीति पर राजा रानी नहीं बनता है। गांव गरीब गुरबा नौजवान किसान पूंजीपति सबके वोट के अधिकार एक ही है, उन वोटों की ताकत से लोग बनते हैं। सुधीर जी देखिए एनपीआर की बात आ रही है, ठीक है नीतीश जी ने अपनी बात रखी है, अगर आप 2010 का एनपीआर उठा के देख लीजिए कांग्रेस के समय में जो हुआ था उसमें तो यही पूछा जाता था कि भाई आप पिछले 6 महीने में कहां रहे। हाँ एक एडिशन है कि भाई आपके माँ बाप कहां और क्या है। देखिए उसके पीछे जो सबसे बड़ी मूल भावना है इस देश के अंदर जो 3.5-4 करोड़ जो बांग्लादेशी आगे रहे हुए हैं वो आसाम और बंगाल के कुछ गांव का पता बताते हैं। जैसे लखनऊ में भी हमने खुद मतलब क्योंकि हम लोग क्षेत्र के काम करने वाले हैं तो यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में जो बांग्लादेशी रहते हैं उनसे जब पूछा कहां रहते हो तो जनरली सब एक गांव का बताया करते हैं कि हम वहां आसाम के फला गांव के हैं। तो जब अगर उनसे पूछा जाएगा भाई आपके फादर का कहां आपके पिता का कहां वो है तो अगर मान लीजिए उस गांव के अंदर जाके जानकारी लगेगी तो पोल पट्टी खुलेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर जो अराजकतावादी सोच के नेता है जो एक मिल्लत के वोट बैंक के चक्कर में सीए और उसके नाम पर आग लगा रहे हैं वो उसको रोकना चाहते हैं। खैर वो हमारा नेतृत्व और नीतीश जी बैठ के बात कर लेंगे क्या होना है उसमें हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन जो एनपीआर में जो पिता और उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है उसके पीछे मूल भावना यही है। और देश के हर नागरिक को जो राष्ट्रभाव वाली जो आपने बात कही अभी अरविंद जी ने तो उसको सहयोग करना चाहिए, इन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। भाई 3-4 करोड़ आप 5 करोड़ के आसपास जो बोझ बने हुए इस देश के अंदर, एक तरफ तो आप विकास की बात करते हैं रोजगार की बात करते हैं वो आपके विकास और रोजगार पर ढाका डाल रहे हैं। ये जो दुरंगी चाल चली जा रही है इस देश के अंदर वो खतरनाक है। और के त्रिपाठी सवाल मेरा आपसे है क्योंकि ये कहा जाता है रोजगार या फिर विकास का मॉडल जो है वो वहां पर धाराशाही हो जाता है जहां पर भ्रष्टाचार आ जाता है। भ्रष्टाचार को लेकर मास्टर स्ट्रोक चला है एक नीतीश कुमार ने, उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया कि जो भी भ्रष्टाचारियों को पकड़वाने की मदद करेगा उन्हें 5,000 से लेकर 50,000 तक का इनाम दिया जाएगा। साथ ही अगर कोई आम जनता होता है तो उसकी गोपनीयता को बरकरार रखा जाएगा। तो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है विधानसभा में एक टारगेट करने के लिए। बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक जीरो टॉलरेंस का यह है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने का, क्योंकि जनता का इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत हो जाएगा। और इसके पहले जो चाहे वो रेल में रहा हो, एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुझे याद है रेल में जब ग्रुप डी का होता था, ग्रुप डी के जो भर्ती होती थी वो ज्यादातर मंत्रियों अफसरों के बच्चे या उन्हीं के रिश्तेदार ये सब हुआ। नीतीश कुमार जी जैसे रेल मंत्री बने उन्होंने तुरंत ही कहा कि भाई इनकी भर्ती का जो है एक भर्ती का बोर्ड बना दिया और उसे एक पारदर्शी भर्ती होने लगी। तो जहां भी गए उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है और उसी के परिपेक्ष में एक सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक उन्होंने दिया है, क्योंकि बिहार में भ्रष्टाचार की जननी बह रही थी जो लालू प्रसाद जी थे तो उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ उसके कारण आप जानती है कि आज वो जेल में है। और तमाम भ्रष्टाचार
के लोगों को उन्होंने नीतीश कुमार जी ने जेल में भेजने का भी काम किया। अभी एक बहुत बड़ा कांड हुआ था जिसमें अभी उनको आजीवन कारावास भी हो गया। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो जीरो टॉलरेंस, और नीतीश कुमार का जो दामन साफ है और हम इनके साथ स्वाभाविक गठबंधन में थे, लेकिन इनकी कुछ बातें थी जिसको हमें नहीं पसंद आ रही थी और उसके कारण हम थोड़ा सा दूरी चले गए थे। लेकिन हमारा तो स्वाभाविक गठबंधन है, जार साहब ने इनको गले लगा लिया है तो हम इनके साथ रह करके और देश के लिए, देश के हित के लिए, देश के हित के लिए हम लोग। जनार्दन जी, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, आपसे रिएक्शन चाहूंगी। दुख होता है ये कि जो बिहार लालू के नाम से जाना जाता, बिहार का मतलब समय था कि लालू ही, और आज तेजस्वी यादव की ये बात समझ में नहीं आती है, और अपनी बच्चों से की लड़ाई वो बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं अपना वजूद, लेकिन उस वजूद की लड़ाई में अपना वजूद खोते जा रहे हैं, ये बात उन्हें समझ में नहीं आ रही है। श्रुति जी, इस इलेक्शन में और अभी के जो इलेक्शंस में अब दो चीजें बहुत कॉमन हैं जो उभर के सामने आई। एक जो पोलराइजेशन जो कोशिश की गई बड़ा, एक बड़े लेवल पे, और दूसरा यंग वोटर्स। आजकल का जो युवा है वो उसने कहीं ना कहीं जाति और धर्म से ऊपर उठकर इन चीजों को वोट करने की कोशिश की है। वो अपनी चीजें ढूंढता है और अपने विकास की बातें को ढूंढता है। वो चीजें जो है बिहार में भी एक जगह बनाती हुई दिखती है, और इस इलेक्शन में भी ये देखिएगा कि ये बड़ा फैक्टर बनके निकल के आएंगे। तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं उस चीज को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं बीइंग अ यंग लीडर, लेकिन जो उनकी समझ है और जिस हिसाब से वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो डायरेक्शन मुझे गलत लगता है, इसलिए वो इतनी दूर तक नहीं चल पाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। तो हमारे जी 5 सेकंड देखिए, तेजस्वी यादव के ऊपर जो एक ठप्पा लगा है उनके पिताजी का, एक समय था बिहार अपहरण उद्योग के नाम से जाना जाता था, और जिसमें निगोशिएशन खुद लालू यादव जी कराते थे बैठ के, जितने अपहरण होके आते थे कि भाई ये वहां ये धंधा हो गया था। तो वो जो एक उनके ऊपर लेबल चस्पा है उससे मुक्ति नहीं मिल पाएगी तेजस्वी यादव जी को। वो जाके पहले कहीं हज उज करके आए या गंगा जी में डुबकी लगा के आए, अपने पिताजी को डिसओन करें, तब जाके वहां के नौजवान और वहां की लगता है कि तेजस्वी यादव जो उसको डिसओन करना चाहते हैं, बिल्कुल डिसओन करें कि हमारे पिता ने गुनाह किया है। तेजस्वी पड़े तो नीतीश के लिए मुसीबत होगी। मैं डिसएग्री हूं, नीतीश अगर लालू प्रसाद यादव के मुलायम के संघर्ष पर तेजस्वी और अखिलेश चलने लगे तो हालत खराब हो जाएगी। बिल्कुल, जमीनी पर आप घर में बैठ कर, लालू को घर में बैठते थे, लालू ने जातियों के समुच्चय के लिए राजनीति की थी, गरीब सवर्णों के लिए वकालत करते थे, और आपराधिक संबंधों की बात अलग है, उसमें सरकार आने पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ सभी पैनलिस्टों का जुड़ने के लिए, बहस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना यह है कि वहां पर वर्चस्व की तो लड़ाई है, लेकिन साथ ही सीए, एनआरसी और एनपीआर की भी लड़ाई है, और जमीनी हकीकत भी लड़ाई है। बिहार विधानसभा अक्टूबर में जो शुरू होने वाला है उसमें जमीनी हकीकत उस पर पार होती है या एनआरसी सीए और एनपीआर पार करते हैं तेजस्वी यादव। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।